और कहते हैं कि दोजख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलक इल्म नहीं? हाँ, क्यों नहीं, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे, और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और जकात देते रहना, तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर पलट गए।